ये मैं सभी से अनुरोध करूँगा और मेरा विश्वास है कि जो यहाँ पर माताएं रहती हैं, बहनें रहती हैं, बच्चों को इन सब चीज़ों से थोड़ा परिचित करना चाहिए, उनको बनाना सिखाइए तो मानसिक विकास। और जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, इनसे भी मैं कहूँगा कि जब घर पर आपका कोई कार्यक्रम होता है तो इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, आपको सीखिए, आप देखिए कि आपके अंदर कैसे एक मानसिक विकास, एक अलग रास्ता खुलेगा, आपके चेहरे की चमक होगी, कभी डरोगे नहीं कि ब्रश उठा रहे हैं कहीं गलत ना हो जाए। टाइम की प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने। कहे ब्रश उठा रहे हैं, भैया नीला कलर लगाना था, हरा लगा, ये सारा डर आपका खत्म हो जाए। आपको मालूम होगा हमारे जो देश की कला है वो रेखा प्रधान, रेखाओं पर आधारित, मोटी रेखाओं के लिए जानी जाती, ये प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल सभी से देखा जाए। तो जो जो आप यहाँ पर कार्य किए हुए हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ पंकज भैया जी बता रहे थे कि जो सामग्री है उसके कम उपलब्धता के बावजूद भी आप लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया। जो मूर्तियां बनी हुई है मैंने देखा, उनके जो रंग कॉम्बिनेशन की बात किया जाए या कपड़े का जो बनावा है, चेहरे की बनावट है, कितना अच्छा कार्य किया गया है। अभी से निरंतर आप लोग